नमस्कार, मैं असगर अली, आप देख रहे हैं थार मीडिया। आज हम खड़े हैं सिंथल गांव में। यहां पंचायत समिति सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के प्रचार प्रसार के सिलसिले में यहां आए हुए हैं धर्मपाल जी, इनकी पत्नी सुमन देवी जो प्रत्याशी है, और यहां सिंथल लाल सिंहपुरा और मुंडसर इन गांवों के प्रत्याशी इनको वोट देके इस बार इनको पूरा विश्वास है कि ज़रूर इनकी विजय होगी और इनको अपने वोटरों पर पूरा भरोसा भी है। तो हम सुमन देवी के पति धर्मपाल जी से पूछेंगे कि किस तरह से लग रहा है कि इस बार इस चुनाव में इनकी निश्चित तौर पे जीत होगी। मैं धर्मपाल हूँ, 12 नंबर पंचायत समिति सदस्य, मेरी धर्मपत्नी सुमन देवी के प्रचार के अंदर डोर टू डोर, घर टू घर जाकर वोट मांग रहा हूँ। और सभी सिंथल, मुंडसर और लाल सिंहपुरा के ग्रामवासियों के अच्छा रुझान है कि भाजपा को जिताएंगे, कमल को खिलाएंगे। अभी वर्तमान में भी जहाँ भी चुनाव हैं तो वहाँ भी बीजेपी की सीटें आ रही हैं, और बिहार के अंदर भी जो हुआ है बीजेपी का तो अच्छा परचम लहराया है। और यहाँ जो पहले कैंडिडेट थे, जो इस वार्ड से 12 नंबर जो हमारे पंचायत समिति सदी से लगता है, मुंडसर सिंथल लाल सिंहपुरा, वो यहाँ कभी ना तो आए हैं, एक बार चुनाव के अंदर आते हैं, फिर 5 साल यहाँ से। वो तो इस गांव के अंदर आप किसी भी आदमी से पूछ लोगे कि प्रत्याशी कभी इस गांव के अंदर आइए। मैं यहाँ से स्थानीय मुंडसर में हूँ, यहाँ रोज़ आते हैं। बीकानेर और मुंडसर हमारा एक गांव का रास्ता है, मैं इससे आते हैं और हर रोज़ आते हैं। तो हम सभी भाइयों से हमारा जुड़ाव है, और सभी 36 कौम सिंथल मुंडसर लाल सिंहपुरा की बीजेपी के पक्ष में सब लोगों ने मन बना रखा है और वोट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ से भाजपा को भेजते हैं। इस बार राजस्थान में जैसे अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, तो आपको नहीं लगता है क्या कि आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? मुझे तो मेरे सिंथल मुंडसर लाल सिंहपुरा के नौजवानों, बुजुर्गों और माताओं सबका आशीर्वाद मिला है। मुझे तो सब लोग, मेरे से ज़्यादा सारी मेरी टीम और मेरे यहाँ के बुजुर्ग नौजवान कैंपेनिंग कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ये 12 नंबर सीट 1500 प्लस से जीत के जाएंगे। हमने कई बार देखा है, चाहे सरपंच चुनाव हो, चाहे विधायक चुनाव हो, चाहे ये अभी जो जिला परिषद या पंचायत समिति सदस्य चुनाव चल रहे हैं, हम देखते हैं कि जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों की तरफ से कई बार सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी होती है। हम चाहते हैं कि आप निवेदन करें अपने समर्थकों से कि इस तरह की सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की गलत टिक्का टिप्पणी ना करें, क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन भाईचारा कायम रहना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, आपने ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्व जो भी गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उनका मैं सभी ग्रामवासियों से, सिंथल के नौजवानों से ये भी मैं कहूँगा कि भी अपने जो भी ये गलत टिप्पणी है उसका पूरी तरह मैं खंडन करता हूँ, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का मैं प्रयास करूँगा कि उनको गलत किसी के प्रति कभी होना नहीं चाहिए। और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप जो लोगों के बीच जाके वादे कर रहे हैं, तो क्या आप जीतने के बाद भी कायम रहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कई बार कि जीतने के बाद प्रत्याशी गायब हो जाते हैं, और जो बाहर के होते हैं वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के नागरिक हैं, सिंथल मुंडसर हमारा एक वार्ड है और हम यहीं रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम तो 20 वर्षों से ही, आज पहले भी मेरे यहाँ से ताऊजी पंचायत समिति सदस्य रहे हैं, पहले भी लड़े, यहीं रहे और रहेंगे और आगे भी रहेंगे। और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो मुख्य मुद्दे क्या हैं, मूलभूत ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप सबसे पहले करवाएंगे? या हमारी सबसे तो मूल समस्या गांव के अंदर होती है, बिजली, पानी, रोड लाइट और सीवर लाइन। तो अभी हमारे सिंथल के जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं, उनके घर से बड़े भाई साहब गणेशदान जी भी मेरे पास में, इन्होंने गांव के अंदर पिछले 5 साल में विकास नहीं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास करेंगे। और मुंडसर में भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, हमारा 2 क्षेत्र है, दूध और पानी का रिश्ता होता है, जैसे पंचायत समिति में एक मुंडसर है, एक सिंथल गांव है, तो मैं वहाँ से मेरे जो निजी बड़े भाई साहब पारिवारिक मान लो चतराराम जी, उनसे घर से, तो हमारी यही रहेगी कि हम यहाँ से डायरेक्टर बने। डायरेक्टर एक पंचायत समिति मेंबर होता है, उनकी पंचायत के अंदर जो भी पंचायत में योजना आएगी, सबसे पहले सीवर लाइन, रोड, बिजली, पानी, शिक्षा और स्कूलों का सबसे बढ़िया नवीकरण करवाना और गाँव को साफ स्वस्थ सुथरा गाँव बनाना, यही हमारा मेन मुद्दा। और सिंथल से इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं सरपंच गणेश दान जी बिट्टू, तो मेरा गणेश दान जी से ये सवाल होगा कि आपने किस आधार पे इनको सपोर्ट कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है क्या कि जीतने के बाद निश्चित तौर पे ये जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे? जीतने के बाद में निश्चित तौर पे वादा पूरा करेंगे। रही बात वादे की, तो वादे से मुकर जाता है, जो इरादे से मुकर जाता है मुझे नहीं लगता कि वो इंसान होता है, ठीक है। रही बात, छोटा भाई है, कहीं से भी पकड़ के ले आएंगे, और मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये जनता जनार्दन दिख रही है ना, युवा शक्ति, बूढ़े बुजुर्ग ये कर रहे हैं,
तो इनका एक नुमाइंदा हूँ, इन्होंने मेरे को बनाया है, मैं इनकी ताकत हूँ, ये मेरी ताकत है और हम सब की ताकत मिलकर के हम धर्मचंद का और सुमन देवी का समर्थन कर रहे हैं और जिताने का भरसक प्रयास करेंगे और दादोजी लूणो जी की कृपा से, हमारे मंदिर देवरों की कृपा से, और 100% ये मान के चलिए कि सुमन देवी जीतेगी और हमारा हर तरीके से इनको सपोर्ट है, पूरे गांव का सपोर्ट है, छत्तीस कौम का सपोर्ट है। इसके अलावा हमारे गांव का काम है, शिविर लाइन का काम है, रोड लाइट का काम है, सीसी ब्लॉक रोड का काम है, या एनीवे कोई भी काम है, व्यक्तिगत काम है, पट्टों का काम है, हम सब का काम करने का अंदर विश्वास रखते हैं। हमें विकास की लड़ाई लड़नी है, न कि किसी से व्यक्तिगत लड़ाई लड़नी है। हम चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद में हमने कभी किसी को कुछ नहीं कहा कि भाई इसने दिए उसने नहीं दिए। मैं सिंतलकार, सिंतल मेरा, मैं तो इसी भावना के साथ वोट पहले मांगता था और आगे भी मांगूंगा और इसी भावना से काम करूंगा, ठीक है। और इसी भावना के आधार पर मैंने समर्थन नहीं दिया, जनता जनार्दन ने दिया है। मैं तो इनका एक नुमाइंदा हूँ, इनकी एक आवाज़ हूँ और आवाज़ तब हूँ जब ये मेरे साथ में बोलते हैं, तब हूँ। तो धर्मचंद का सपोर्ट किया, धर्मचंद के साथ हैं और धर्मचंद को जिताएंगे, मेरा भरोसा है और यही मेरी ताकत है। पूरा सिंथल गांव ही सपोर्ट कर रहा, भीड़ देख सकते हैं और इनको कन्हैलाल जी कड़ेला भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और इनको पूरा विश्वास है कि ये जो वादे कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे उन पे खड़े उतरेंगे। तो मेरा कन्हैलाल जी से यही सवाल होगा कि आपको क्या लगता है किस तरह से ये क्या अपने मुद्दों पर कायम रहेंगे जो ये वादे कर रहे हैं जनता से? उससे अच्छा लग रहा है सिंथल गाँव में, मेरी पत्नी सुमन जो टिकट की दावेदार थी वो कोई कारणवश से टिकट नहीं मिली, वो धर्मराम जी और उनके पत्नी, उनका नाम भी सुमन है, उनको टिकट मिल गई थी, लेकिन हमारा पूरा पूरा समर्थन है धर्मराम जी को और सिंथल गांव को और जय भीम जय भारत। एक सब के लिए सब एक के लिए, सारे मिलकर प्रयास करेंगे तो ज़रूर निश्चित तौर पर इनको सफलता मिलेगी। तो ये थे धर्मपाल जी मुंड, जिनकी पत्नी सुमन देवी चुनावी मैदान में है और मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि आने वाली 27 तारीख को मतदान जरूर करें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क लगाकर ही वोट दें। धन्यवाद। धन्यवाद।